अच्छी तरह पूजा कर, नई नौकरी मिली मुझे। ओके जय मैया अम्बे गौरी मैया। सुनाई दे रहा मेरे को। आरती क्यों उतारी जा रही है? मेरी माँ कहा करती थी, जब कोई रास्ता नहीं मिले तो एक रास्ते पर निकल पड़ना, मंजिल मिल जाएगी। पर आपको तो आपकी मंजिल मालूम है, नौकरी, और फिर नौकरी से निकाले जाना, फिर ये आरती किस लिए? पैसा, पैसा कमाने के लिए समझे, पैसा समझे, पैसा, बहुत सारा पैसा। क्यों, पैसा क्यों? दो आदमियों की सुपारी देनी है। कौन से दो आदमी? एक वो जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, दूसरा वो जब ये अंदर हो जाता है उसकी जमानत करवाता है। कौन है वो? वही लुक्का लफंगा गुंडा मवाली जो कॉलेज के चक्कर पे चक्कर काटता है और सपना को छेड़ता है। कौन है ये? ये वही है जिसकी टैक्सी का बिल तुमने चुकाया, ऊंचे खानदान वाला, 420, सपना के नाक में दम कर रखा है उसने। पर अपनी सपना बिटिया जो है उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, पर ये बेशरम उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। गुप्ता जी, सर राजा कहाँ है? सर वो राजा कहाँ है? तुम यहाँ क्यों आ गए? यहाँ से निकलवा दो तुम। नहीं नहीं जुगनू भैया, मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि सपना का एड्रेस क्या है। सपना क्यों? ताकि तुम जाके छेड़ सको उसे। अरे छेड़ के बताओ। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं उसे छेड़ने नहीं, उसे अपनाने आया हूँ। मैं बहुत ऊंचे खानदान का हूँ। अच्छा, आप मेरा काम कर दीजिए। मैं कसम खा कर कहता हूँ, आपको परमानेंट नौकरी दिला दूंगा अपने कंपनी। परमानेंट नौकरी दिला दोगे? देखो मिस्टर, अगर तुम ऊंचे खानदान से हो ना तो मैं नीचे खानदान से नहीं हूँ। अरे नहीं, अरे आप छिड़वा कर नौकरी ले लूँ। अरे आप मेरी बात चले जाओ बड़े भैया। लेकिन क्या हुआ बड़े भैया? बंद करिए बड़े भाई का नाटक। सब नायक इज्जतदार घर की लड़की है, हमारी मेहमान है। अरे दोबारा उसकी तरफ आंख उठाकर भी तूने देखा ना? जान से मार दूंगा। I'm sorry बड़े भैया, लेकिन मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। छेड़ेगा तू उसे? देखिए बड़े भाई, मैं आपकी बात इज्जत करता हूं, लेकिन उससे कई ज्यादा सपना से प्यार करता हूं। छिछोरेपन को प्यार बोलता है? आप समझते क्या अपने आप को? मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूं, रघुवीर सिंह चौहान का बेटा हूं, चौहान इंडस्ट्री का। झूठ बोलता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं बड़े भैया। आपके शहर में जो राजपुताना हवेली है वो मेरी है। फिर झूठ? वो सावित्री देवी की है। हाँ वही सावित्री देवी मेरी माँ है, माँ है वो मेरी। अब आप कहोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या अपनी माँ को माँ साबित करने का कोई सबूत है आपके पास? बताओ। आपका होटल छोड़ के जा रहा हूं मैं, ये शहर छोड़ के नहीं जा रहा हूं। आपको जो करना है आप कीजिए, मैं सपने से दूर नहीं जाऊंगा। बस यही सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से, जानना चाहता था कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। मान गया राजा, तुम वाकई बहुत प्यार करते हो सपना से। वैसे तुम्हारे प्यार का विश्वास था मुझे, लेकिन दिल में कुछ शक भी था, इसलिए मुझे इम्तिहान लेना पड़ा। राजा माफ कर दो मुझे। राजा I'm sorry। Sure?
सच कहूं बड़े भैया, आप मेरे समझ के बाहर हो और तुम भी मेरी समझ के बाहर हो। माँ को अकेले छोड़कर, मेरा मतलब अपनी माँ को अकेले छोड़कर तुम चले आए, कौन ख्याल रखेगा उनका? सो तो है, पिताजी जब तक जिंदा थे सब ठीक था, 4 साल हो गए उनका देहांत होकर। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ा, मगर क्या करता बड़े भैया, वो मेरी शादी को लेकर पीछे ही पड़ी थी, अगर नहीं भागता तो अब तक तो मेरे फेरे पड़ चुके होते। फिर सोचो बड़े भैया, सपना का क्या होता, कौन करता सपना से शादी? जस्ट जोकिंग बिग ब्रदर, सपना से शादी करने का सपना तो हजारों लोग देखते होंगे, मगर मैं सपना का सपना हर रोज देखता हूं। डरता हूं कि अगर मेरा सपना टूट गया ना तो मैं जीऊंगा कैसे। अगर एक तस्वीर मिल जाती तो ऐसा क्यों नहीं करते, तस्वीर के बजाय माँ को सपना से मिला दो। कमाल करते हो बड़े भैया, मैं खुद ही उसे पूरी तरह से नहीं मिला और आप कहते हो माँ से जाकर मिला दो। बड़े भाई मैं ये भी नहीं जानता कि वो मुझे पसंद करती या नहीं, फिर माँ को मिलने से इनकार कर दे तो? नहीं करेगी। तसल्ली नहीं बड़े भैया, मदद चाहिए, एक आखिरी बार मदद कीजिए प्लीज। देखिए वो आपके घर में रहती है, हाँ आपकी बातें मानती है, आप उसे समझा दीजिए ना कि मैं अच्छा लड़का हूँ, हाँ काम हो जाएगा मेरा, प्लीज प्लीज। मैं बात कर लेता हूँ। थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू वेरी मच। बात सुन, हाँ माँ को तो यहाँ जल्दी से बुला ले। अभी बुलाता हूँ। हेलो हेलो माँ, राजा राजा तू नालायक बुद्धू बेवकूफ उल्लू गधे पाजी, कहाँ था इतने दिन तू? बहुत दिनों बाद बात कर रहा हूँ ना, तू आए दे रही है। कब तक उस लड़की के पीछे भागेगा बुद्धू? माँ उसी से तो मिलने यहाँ शहर आया हूँ, हाँ मिल चुका हूँ उसे। माँ आपको मिलाना चाहता हूँ, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। अरे नालायक तू है कहाँ? क्या तू है कहाँ? धर्मपुर में माँ, होटल में रह रहा हूँ मैं। इतनी बड़ी हवेली है खुद की और तू होटल में ठहरा है? माँ इतनी बड़ी हवेली में मैं अकेला कैसे रह सकता हूँ? बिना पैसों के इतने दिनों से इतने बड़े होटल में ठहरा कैसे है तू? माँ शहर में एक दोस्त मिला है, एक्चुअली दोस्त नहीं माँ भाई मिला है, भाई उन्हें मैं प्यार से बड़े भैया कहकर बुलाता हूँ, सब उनकी मेहरबानी है। एक मिनट आप उनसे बात कीजिए, आप हाँ एक बात कीजिए उनसे। हेलो हेलो बेटा। माँ आप आ रही हैं ना? मैं वहाँ जल्दी आ रही हूँ। बेटा ये जो राजा जिस लड़की की बात कर रहा है क्या तुम उसे जानते हो? हेलो